हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और इस पेपर में आपको थोड़े बहुत जो है लिखावट मिलेगी, तो आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि ये पेपर मैंने किसी और से लिया हुआ है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि उद्यान की चारागाह प्रणाली का संबंध है फसल चारा पेड़, चारागाह फल पेड़, या फिर फसल फल चारा, और अगला है फसल फल सब्जी। तो कृषि उद्यानिकी एवं चारागाह, यानी कृषि मतलब की फसल और उद्यानिकी मतलब फल और चारागाह मतलब चारा। तो कृषि उद्यानिकी एवं चारागाह, इनका संबंध है फसल फल एवं चारा, क्रॉप फ्रूट फाउडर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है, व्हाट इज नेचुरल फैक्टर फॉर ड्रॉट। ऑप्शन है वर्षा की विफलता, बी है अधिक चराई, सी है अधिक खेती, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूखे का प्राकृतिक कारण है वर्षा की विफलता, रेन फेल्योर जो है ये एक फैक्टर है ड्रॉट का। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सुधार करने में, किसका सुधार करने में, जिप्सम इज़ यूज्ड टू रिक्लेम। ऑप्शन ए है लवणीय मृदा, ऑप्शन बी है क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी है अम्लीय मृदा, और डी है जलमग्न मृदा। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा को सुधारने में, एल्कली सॉइल को सुधारने में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा को किसके उपयोग द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है गोबर की खाद, ऑप्शन बी है कंपोस्ट, ऑप्शन सी है जिप्सम, और ऑप्शन डी है चूना। तो लवणीय मृदा को गोबर की खाद के प्रयोग द्वारा पुनः सही किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है या रिक्लेम्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का प्रयोग किसके सुधार में करते हैं, अम्लीय मृदाओं, लवणीय मृदाओं, क्षारीय मृदाओं, या फिर भारी संरचना वाली मृदाओं में। तो चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं के सुधार में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी की समस्या है लवण विषाक्तता, उच्च विल्टिंग गुणांक, ऑप्शन सी है मृदा कोलाइड का बिखराव, और ऑप्शन डी है मृदा नमी की कमी। तो क्षारीय मृदाओं की समस्या का समाधान जो किया जाता है, सॉरी समस्या है वो है इसमें लवण विषाक्तता, साल्ट टॉक्सिसिटी जो है ये एल्कली सॉइल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न वाली मृदा में उच्च सांद्रता होती है, ऑप्शन ए है मीथेन की, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, और ऑप्शन डी है ईथेन की। तो जलमग्न वाली मृदाओं में उच्च सांद्रता होती है मीथेन की। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को मिलाने की प्रमुख भूमिका है, यानी ऑप्शन ए है मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, ऑप्शन बी है पौधों के पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, ऑप्शन सी है हानिकारक जीवों का नियंत्रण करना, और ऑप्शन डी है मृदा अम्लता को कम करना। तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को मिलाने की जो प्रमुख भूमिका है वो होती है मिट्टी के भौतिक दशा में, मिट्टी की भौतिक दशा में, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी मृदाएँ मुख्यतः होती हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या फिर लवणीय। तो जो पहाड़ी मृदाएँ होती हैं वो मुख्य रूप से अम्लीय होती हैं, एसिडिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद क्षारीय मृदाएँ हैं अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, या फिर क्षारीय मृदा। तो सफ़ेद क्षारीय मृदाएँ होती हैं लवणीय मृदा, यानी सैलाइन सॉइल को सफ़ेद या वाइट एल्कली सॉइल कहा जाता है। मृदा क्षरण की चौथी अवस्था है स्प्लैश इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन, या फिर सीट इरोजन। तो जो गली इरोजन होता है ये फोर्थ स्टेज होती है सॉइल इरोजन की, चौथी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु क्षरण मुख्यतः होता है शुष्क क्षेत्र में, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में, आर्द्र क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो वायु क्षरण मुख्य रूप से होता है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में वायु क्षरण ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की अवनालिकाएँ पाई जाती हैं पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, खड्ड क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यू आकार की जो अवनालिकाएँ हैं ये पाई जाती हैं मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में यू आकार की अवनालिकाएँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गली के नेटवर्क को कहा जाता है, ए नेटवर्क ऑफ गली इज कॉल्ड अवनालिका क्षेत्र, खड्ड क्षेत्र यानी रिवाइन एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, या फिर उपयुक्त सभी। तो गली के नेटवर्क को खड्ड क्षेत्र, रिवाइन एरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेत के टीले का संबंध है वायु क्षरण से, रासायनिक क्षरण से, जल क्षरण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो रेत के टीले का संबंध होता है विंड इरोजन वायु क्षरण से। अगला क्वेश्चन है, अवनालिका क्षरण मुख्यतः उत्पन्न होता है खेती योग्य भूमि में, खेती अयोग्य भूमि में, खड्ड भूमि में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवनालिका क्षरण मुख्य रूप से उत्पन्न होता है खेती अयोग्य भूमि में, अनकल्टीवेटेड लैंड में। अगला क्वेश्चन है, ब्राड आधारित टेरेस का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टेन एवं ब्रंजन्स के रूप में, अवनालिका के रूप में, मेड़ एवं चैनल के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्राड आधारित टेरेस का निर्माण किया जाता है, ब्रॉड बेस्ड टेरेस का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो किया जाता है मेड़ एवं चैनल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग खेती है। तो ऑप्शन ए है चक्रानुक्रम कृषि वानिकी पद्धति, ऑप्शन बी है चक्रीय खेती, ऑप्शन सी है इसे चलाना और सस्य फलों को उगाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो झूमिंग खेती में ये सभी होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा निम्नीकरण का प्रकार है, यानी कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रकार है, भौतिक निम्नीकरण, रासायनिक निम्नीकरण, जैविक निम्नीकरण, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों होते हैं मृदा निम्नीकरण के प्रकार, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की कमी का मुख्य कारक है भौतिक निम्नीकरण, रासायनिक निम्नीकरण, जैविक निम्नीकरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूट्रिएंट डिप्लेशन का जो मेजर काज होता है वो होता है केमिकल डिग्रेडेशन, रासायनिक निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि अयोग्य बेकार भूमि है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकल्टिवेटेड लैंड, अवनालिका भूमि, लवण प्रवाहित भूमि, और बंजर चट्टानी भूमि, और झूमिंग खेती। तो इसमें से जो अयोग्य भूमि होती है, जो बेकार भूमि होती है जिस पर खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो होती है बैरन लैंड, बंजर चट्टानी भूमि। अगला क्वेश्चन है, जल भराव वाली भूमि के पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय हैं, रीमेडियल मेजर फॉर रिहैबिलिटेटिंग वाटर लॉग्ड लैंड आर। ऑप्शन ए है सतही एवं उपसतही जल का निकास, ऑप्शन बी है अतिरिक्त पानी निकालना, ऑप्शन सी है रिसाव को रोकने के लिए नहर का स्तर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जल भराव वाली भूमि के पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय हैं, ये हैं ऑल ऑफ दीस, उपयुक्त सभी, क्योंकि सतही एवं उपसतही जल का निकास, अतिरिक्त पानी निकालना, रिसाव को रोकने के लिए नहर का स्तर, ये सभी जो है जल भराव वाली भूमि के जो उपचार किया जाता है, सही किया जाता है, वो हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल मग्नता के कारण मृदा में परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए है भूमिगत जल में जल वृद्धि में, ऑप्शन बी है मृदा वायु में कमी, ऑप्शन सी है मृदा तापमान में कमी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जलमग्नता के कारण जो मृदा में परिवर्तन होते हैं वो होते हैं भूमिगत जल में वृद्धि, मृदा वायु में कमी, मृदा तापमान में कमी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1995, 1975 और 1965। तो नेशनल वाटरलैंड डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो की गई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है 22.909%, ऑप्शन बी है 23.31%, ऑप्शन सी है 19.5%, ऑप्शन डी है 33.34%। तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो पाया जाता है वो है 22.09%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अपनाई जाती है, यूकेलिप्टस प्लस धान, पॉपुलर गन्ना, सुबबूल गेहूँ, बेर अरहर। तो पॉपुलर और गन्ना ये कृषि वानिकी प्रणाली उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए है मैक्सिको, सीरिया, पेरू, या फिर नाइजीरिया। तो ये स्थित है सीरिया में, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स सीरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मृदा निम्नीकरण है, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो है मृदा निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है,
भारत में मृदा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है? तो भारत में मृदा निम्नीकृत क्षेत्र का जो आंकड़ा है वह है 97.85 मिलियन हेक्टेयर। 97.85 मिलियन हेक्टेयर भारत में मृदा निम्नीकरण सॉइल डिग्रेडेड लैंड का जो एरिया है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंजर भूमि विकास है तो कौन सी तकनीकी है? बंजर भूमि के विकास के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है निम्न में से? भूमि अपरदन नियंत्रण करना, निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन करना, बीहड़ भूमि का प्रबंधन करना। इसमें हो जाएगा आलाप बीज उपयुक्त सभी, ये सभी क्रियाएं करके जो है बंजर भूमि का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जल समेट है यानी वाटर सेड इज़ ए जियोग्राफिकल यूनिट, वर्षा यूनिट, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट या फिर हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। तो जल समेट वाटर सेट जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, जल समेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है जलमग्न क्षेत्र में, जल की कमी के क्षेत्र में, या बारानी क्षेत्र में, या नहर सिंचाई क्षेत्र में? तो जल समेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बारानी क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है। क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड या महाराष्ट्र में? तो झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन नागालैंड में प्रचलित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का नागालैंड, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन उत्तर पूर्वी राज्यों में ही की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल है 28 मिलियन हेक्टेयर, 25 मिलियन हेक्टेयर, 8 मिलियन हेक्टेयर या फिर 29 मिलियन हेक्टेयर? तो भारत में लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल है 8 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं नम जलवायु में, समशीतोष्ण, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्षारीय मृदाएं शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती हैं, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में। अगला क्वेश्चन है, पीएच 5 वाली मृदा कहलाती है, तो इसे कहा जाएगा अम्लीय मृदा, 7 से कम जिनका पीएच होता है वो अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्य बंजर भूमि नहीं है? बर्फ से ढके क्षेत्र, खड्ड भूमि, खड़े ढाल या फिर नग्न पथरीले क्षेत्र? तो जो नग्न पथरीले क्षेत्र होते हैं ये अयोग्य बंजर भूमि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण शब्द किसने दिया यानी वाटर हार्वेस्टिंग टर्म जो है किसने दिया था? आर्नान ने, मायर्स ने, एजी टेंसले ने या फिर आज़ाद ने? तो मायर्स ने जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग टर्म को दिया था। अगला क्वेश्चन है, NBSS एंड LUP स्थित है आगरा में, कानपुर में, जोधपुर में या फिर नागपुर में? तो NBSS LUP जो है ये स्थित है नागपुर में, नागपुर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है नम क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, शुष्क एवं नम क्षेत्र में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है ये होता है आपका एरिड एवं ह्यूमिड एरिया में, एरिड यानी कि शुष्क एवं नम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है लवणता एवं क्षारीयता, मृदा अपरदन, कार्बनिक अपशिष्ट या उपयुक्त सभी? तो मृदा निम्नीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं ये हैं लवणता एवं क्षारीयता, मृदा अपरदन, कार्बनिक अपशिष्ट, ये सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन जो है एक पेड़ बचाओ आंदोलन होता है, इसमें पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का खतरनाक प्रभाव पड़ता है चराई क्षेत्र में वृद्धि पर, खरपतवार नियंत्रण पर, मृदा अपरदन पर या कीट पीड़क नियंत्रण पर? तो वनों की कटाई का जो प्रभाव पड़ता है खतरनाक प्रभाव वो पड़ता है मृदा अपरदन पर। अगला क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन अधिक होता है जलमग्न भूमि में, जल निकास वाली भूमि में, भारी मृदा में या फिर हल्की मृदा में? तो जो डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है ये होती है वाटर लॉक्ड, जो जलमग्न भूमि होती है उसमें अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में, आर्द्र क्षेत्र में, शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं ये पाई जाती हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है लोबिया, मक्का, मूंग या फिर उपयुक्त सभी? तो मक्का जो है ये मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है।
अगला क्वेश्चन है CAZRI स्थित है नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर या फिर कानपुर में। तो CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है वनों की कटाई, अधिक चराई, स्थानांतरित खेती या फिर उपयुक्त सभी। तो मृदा अपरदन के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो हैं उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है त्वरित क्षरण, भूगर्भीय क्षरण, गलत कृषि क्रियाएँ या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है, ये कहा जाता है भूगर्भीय क्षरण, इसे भूगर्भीय क्षरण कहा जाता है, जियोलॉजिकल इरोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है, कंटूर पट्टीदार, वायु पट्टीदार, बफर पट्टीदार। तो ये सभी जो है पट्टीदार खेती का रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिनी वाटर सेट का आकार होता है, मिनी वाटर सेट का आकार होता है, तो मिनी वाटर सेट का आकार होता है एक से सौ हेक्टेयर जो है क्षेत्र में मिनी वाटर सेट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है, जल समेट प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट इज, संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों को उत्पन्न करना और संसाधनों का उपयोग करना। तो ये सभी जो है जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल समेट का अवयव नहीं है, मृदा एवं जल संरक्षण, फसल प्रबंधन, जल संग्रहण एवं कंटूर खेती। तो इसमें से जल समेट का अवयव नहीं है वो है कंटूर फार्मिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं मृदा एवं जल संरक्षण की अस्थाई संरचना कौन सी है, ऑप्शन ए है कंटूर खेती, ऑप्शन बी है कंपार्टमेंटल मेड और ऑप्शन सी है मेड और ऑप्शन डी है पलवार। तो मृदा एवं जल संरक्षण की अस्थाई संरचना इसमें से कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी बंड्स, मेड़। मेड़ जो है ये एक अस्थाई संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए है जल समेट की विशेषताएँ, जलवायु की विशेषताएँ, भूमि उपयोग पैटर्न और उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है, वो हो जाएगा आल ऑफ तीज, क्योंकि ये सभी जो है जल समेट की विशेषताएँ, वायु जलवायु की विशेषताएँ एवं भूमि उपयोग पैटर्न, ये सभी जल समेट को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेड़ पंक्ति अंतरासंसन को कहते हैं, मेड़ पंक्ति अंतरासंसन को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है एले क्रॉपिंग, वीथिका सस्यन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए है आगरा, जोधपुर, भोपाल या फिर महाराष्ट्र में। तो जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना कहलाता है, कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना कहलाता है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, कृषि वानिकी पद्धति। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसे 2 फरवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे को 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, तो भूमि क्षरण को रोका जा सकता है वनीकरण के द्वारा, एफॉरेस्टेशन के द्वारा।